आकाशवाणी जम्मू अमीन अंजम से खबर सुनो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है जे 21वीं सदी ते तेजी नाल बदलती दुनिया में भारत ना अपना मौसर किरदार अदा करना वैगो। वजीर आजम स्मार्ट इंडिया हैकेथन प्रोग्राम का सिलसिला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल शाम बोल रहा था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है जे कुछ दिहाड़ा पहला नवी तालीमी पॉलिसी ऐलान की हो तो यह पॉलिसी 21वीं सदी का नौजवानों की जरूरत उम्मीदा तो ख्वाहिशों ध्यान में रखता वा तैयार की गई है। स्मार्ट इंडिया हैकेथन का बड़ा प्रोग्राम नाल खिताब करता वा वजीर आजम ने नवी तालीमी पॉलिसी की तारीफ करता वा कि जे यह सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है बल्कि 130 करोड़ भारतीय लोगों को अक्स है। उन्होंने कहा जी 21वीं सदी तालीम को दौर है तो यो इस वक्त है जब तहकीक ऐजाद वरतवजा मरकूज है। उन्होंने कहा जी यह पॉलिसी 2020 बिल्कुल ऐसी ही है। जनाब मोदी ने कहा जी यह तालीमी पॉलिसी चाहे जे थारा स्कूल कॉलेज ते यूनिवर्सिटी तजर्बाकार ते फायदामंद बने। उन्होंने कहा जी यह तालीमी पॉलिसी यकीनी बनावेगी जे तवज्जा उस पासे की जाए जिस पासे तालब इलम चाहे। उन्होंने कहा जी पॉलिसी में रोज़गार पैदा करन वर तवज्जा मरकूज की गई है। वजीर आजम ने कहा जी गरीब लोगों ना बेहतर जिंदगी देने वास्ते नौजवानों को अहम किरदार है। इस मौके पर बख बख कॉलेजों ते यूनिवर्सिटियों का तलब इलमां ने वजीर आजम नाल गल की ते जदीद ख्यालात वर तबादला ख्याल भी कियो। साबक जम्मू कश्मीर रियासत को खसूसी दर्जो खत्म होण गए एक साल बाद जम्मू कश्मीर सरकार 10 शोबां दर तवज्जा मरकूज कर रही है जिनमें तिब्बी सैक्टर खास तौर पर शामिल है। पिछले साल 31 अक्तूबर न जम्मू कश्मीर की 2 UT वजूद में आने के बाद इंतजामिया ने कुछ कानून तब्दील किया जिनमें रणबीर पैनल कोड भी शामिल है ते इस तरह RPC की जगह IPC ने ले ली। इस सिलसिले में 170 ते मता कानून जम्मू कश्मीर में लागू किया गया जिहड़ा उसते पहला इत लागू नहीं था। इंतजामिया ने डोमिसाइल कानून लागू किया ताकि लोगों का मफाद ना महफूज रखियो जा सके। इस कदम नाल मगरबी पाकिस्तान रिफ्यूजीज गोरखा ते जम्मू कश्मीर ते बाहर शादी करने वाली जम्मू कश्मीर की खवातीना फायदों मिलो। समाजी बहबूद सैक्टर में इंतजामिया ने तरजीही बुनियादा पर कम किया तो इस तरह पिछला एक साल में 7,42,781 मुस्तफीद अफराद ना पेंशन को फायदों बधायो गयो। इसी तरह 10वीं जमात ते पहला का तालब इलमां का हक में वजीफा दिता गया तो इस तरह 4,76,670 मुस्तफीद ना मदद मिली। इंतजामिया ने तालीम दर खसूसी तवज्जा मरकूज करता वा 50 नवा डिग्री कॉलेज दिता तो यह तादाद पिछला 70-12 सब ते मती है। इसी तरह 7 मेडिकल कॉलेज भी दिता गया। हुकूमत ने वेंटिलेटर की बरामद ना इजाजत देने को फैसलो लियो है। यो फैसलो भारत में COVID-19 मरीजों की मौत में कमी जारी रहने की सूरत में लियो गयो ते इस वेले COVID-19 मरीजों की मौत बारे 0.5% 2.15 है। सेहत बारे मरकजी वजारत ने कहा जी भारत में इस वेले चंद मुतहरक मामला ही वेंटिलेटर वरें ते कल मुल्क भर में सिर्फ 0.22% मुतहरक मामला वेंटिलेटर वर था। इस नाल नाल मुल्क में चंगी तादाद में वेंटिलेटर तैयार किया जा रहा है। काबिल जिक्र है जी इस वक्त मुल्क में 20 मता सनतकार वेंटिलेटर तैयार कर रहे हैं। इस सिलसिला में COVID-19 बारे वजीरों का एक ग्रुप ने गौर किया तो भारत में बनिया वेंटिलेटर ना मुल्क से बाहर जान देने की तजवीज़ वर रजामंदी को इजहार किया। इस सिलसिला की वजारत ने उम्मीद जाहिर करता वा कहा जी मुल्क में बनिया वेंटिलेटर भारतीय वेंटिलेटर वास्ते दुनिया का बख-बख मुल्कों में नवी मंडी तैयार करेगा। यह गल काबिले जिक्र है जी इस साल मार्च महीना में वेंटिलेटर की बरामद पर रोक लाई गई थी ताकि COVID-19 ना मौसर मुकाबलों करने वास्ते इन वेंटिलेटर की दस्तियाबी यकीनी बनाई जा सके। जम्मू कश्मीर में कल COVID-19 का 613 सजरा मामला बांधे आया। इन मामला में 145 जम्मू खिता थे जबकि 468 वादी कश्मीर से दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर में कुल मामलों की तादाद हूँ 20,972 हो गई तो इनमें 7,713 मुतहरक मामला हैं जबकि 12,871 मरीज ठीक हो गया और 388 अफराद वफात पा गया। हाल ही में 654 होर COVID-19 मरीज ठीक हो गया जिन्होंने जम्मू कश्मीर का बख-बख अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। सलाल बिजली स्टेशन ने आयुष का तावन नाल सलाल बिजली स्टेशन पर एक बेदारी कैंप को इनाकाद कियो। इस कैंप का मकसद देसी दवाइयों की मदद नाल COVID-19 के खिलाफ लड़न वास्ते ताकत बधाना है। प्रोग्राम के दौरान डॉक्टरों की एक टीम ने लोगों ना घर के अंदर रहता वा अपना आपना COVID-19 के खिलाफ लड़न वास्ते ताकतवर बनने का तरीका दसिया। उन्होंने इस सिलसिला में कुछ दवाई भी दी। इस जिमन में सलाल बिजली स्टेशन का
जनरल मैनेजर इंचार्ज ने मेडिकल टीम को शुक्रिया अदा कियो नाले उनका काम की तारीफ की। इसके नाली गोजरी मां खबरों को यो बुलेटिन खत्म हुआ।